तो दोस्तों ये जो सप्लाई देख रहे हो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे पास और ये 5 एम्पीयर की है। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई। हम इसकी जो है वोल्टेज जो है बढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हो आप और बहुत आसान तरीके से जो है इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हो आप। 12 वोल्ट की जो सप्लाई है तो उसमें जो है आपको 12 से लेकर 13 वोल्टेज मिल जाएंगे और यहाँ से हम जो है इसमें आउटपुट चेक करेंगे मल्टीमीटर की। अभी हम जो है इसमें आपको चेक कराएंगे मल्टीमीटर से। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, पावर सप्लाई है, और किस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हो वोल्टेज को, ठीक है दोस्तों। तो वो हम आपको बताने वाले हैं। आगे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको हम जो है सही से एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर हमने पावर सप्लाई को ऑन कर लिया और दोस्तों यहाँ पर हमें उसे जो है मल्टीमीटर के ट्यूब लगाने हैं, यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो ये हमारा मल्टीमीटर हमने यहाँ पर इसके साथ में रख दिया है। और दोस्तों मैं जो है वीडियो अकेले बना रहा हूँ, तो दोस्तों एक हाथ में मेरा कैमरा है। तो अगर कोई भी आप मेरे से कोई गलती होती है तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो उसकी वजह से जो है सही से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको जो है हम इसमें अभी थोड़ी देर में जो है कस लेते हैं ताकि यहाँ पर से हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसे लगा के दिखाते हैं कि इसमें एक एक ट्यूब को जो है हम लगा लेते हैं। यहाँ पर जो राइट वाले ट्यूब है हम प्लस को प्लस में जोड़ रहे हैं और माइनस को हम वैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कस लिया हमने इस ट्यूब को। तो यहाँ पर जो है इसको अब लगाने के बाद में इसे कस लेते हैं। पहला वो ढीला जो है रह गया था तो अब यहाँ पे कस चुका है और आपको जो है अब वोल्टेज चेक करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 13 वोल्टेज जो है मेरे को मिल रहे हैं इस सप्लाई से। जो है 12 से लेकर 13 जो है ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर 15 वोल्टेज चाहिए, तो हम किस तरह से जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं वोल्टेज को, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने चेक किया है तो यहाँ पर जो है ये दोस्तों 13 वोल्टेज जो है 13 से लेकर 12 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब ये वोल्टेज कैसे बढ़ेंगे या घटेंगे, तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख रहे हो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगी है ये 5.1 के रेजिस्टेंस हमने लगा रखी है और यहाँ से इसके आउटपुट आते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमने जो है ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर 5.1 के रेजिस्टेंस है फ़िलहाल और इसके से 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको रेजिस्टेंस जो है बढ़ानी है या घटानी है। अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आपको जो है रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, और आपको वोल्टेज कम चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ के बारे में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे हम जो है दिखाते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों उस रेजिस्टेंस को जो है हमें निकालना है बाहर, और आप लोग देख सकते हो हमसे निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारी फ्रिज साइड से कनेक्ट होती है, तो फ्रिज साइड से लेके और जहाँ से आउटपुट आ रही है हमारी, तो ये आउटपुट से जो है कनेक्ट होती है जिससे कि वैसे हमारे वोल्टेज डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये वोल्टेज जो है कहाँ से जो है बनते हैं और ये रेजिस्टेंस कैसे जो है हटाने से वोल्टेज बिल्कुल जो है ज़ीरो भी हो जाते हैं और हमारे वोल्टेज बढ़े भी जाते हैं। तो ये हम फ्री साइड जो है आपको फुल करके दिखा रहे हैं। फ्री साइड को जो है हम पूरा जो है टाइट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है फ्री साइड हमने पूरा टाइट कर दिया, रेजिस्टेंस उसको ऐसे निकाल दिया है। 5.1 के की जो है हमारी रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, और ये हमने जो है उसको पूरा टाइट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो है हम उसके बाद यहाँ पर जो है वोल्टेज अब चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसको वोल्टेज को जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो उसको हम पहले बोर्ड को जो है देख लेते हैं कि हमारी, तो यहाँ पर सप्लाई हमारी आ रही है, और उसके बाद में हम बोर्ड सेट करते हैं ताकि हमारा जो है व्यू कैमरे के अंदर आसानी से जो है आ सके। तो जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे लगा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4.6 वोल्टेज जो है हमारा शो हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोई भी वोल्टेज नहीं सही से आ रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हमारी हटी हुई है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से जो है हमारी वोल्टेज सही नहीं आ रहे। दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी सप्लाई भी जो है ऑन है और यहाँ पर जो है इसको हम वापस से इस साइड पे करके और दोबारा से हम जो है वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि हम दोबारा से वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही वोल्टेज जो है हमें देखने को मिल रही है 4.5, तो यहाँ पर 4.5 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है कोई वोल्टेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारी होनी चाहिए 12 वोल्ट, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस हटा रखा है, तो इसके से 12 वोल्टेज ये दोस्तों नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर वोल्टेज किस तरह से जो है शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर हमने जिस जैक पे लगा रखा है जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है 5.6 या 4.5 या 4.6 वोल्टेज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारा जो फ्री सेट है हमने बिल्कुल डाउन, इसको हम बिल्कुल लो कर देते हैं, यानी वापस 0 पे कर दिया हमने। उसके बाद वोल्टेज फिर भी जो है हमारी ना बढ़ रही है घट रही है दोस्तों, तो फिक्स वोल्टेज आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है दोस्तों यहाँ पे हटा हुआ है, 5.1 के का जो है रेजिस्टेंस है वो हटा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वोल्टेज ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं दोस्तों, फिक्स वोल्टेज जो है यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्री सेट है वो उस रेजिस्टेंस के वजह से जो है काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, तो ये 2K की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो इस ये हमने सीरीज़ में लगा लिया है, जिससे कि ये 4K बन चुकी हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर यहाँ 4K का रेजिस्टेंस जो है अब यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में जोड़ लिया है, और सीरीज़ में दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जो है अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जो है हमारी जो है रेजिस्टेंस घट जाती है। और तो दोस्तों उसकी रेजिस्टेंस हमने जो है यहाँ पर लगा लिया है, और इसके से हम सोल्ड करना बाकी रह गया है बस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है हमने सीरीज़ में लगाई है, और ये 4K की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 2K की रेजिस्टेंस जो है दो हमने सीरीज़ में लगा रखी है। तो जो है हमने वो रेजिस्टेंस कम कर दी है, पहले जो रेजिस्टेंस थी हमारी 5.1K की रेजिस्टेंस थी, और हमने अब जो है 4K का रेजिस्टेंस लगाया है, तो वो भी सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस लगाई है, तो उससे कि हमारी रेजिस्टेंस जो है बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सीरीज़ में हमने लगाया है, तो जो है हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हम अगर पैरेलल में लगाते हैं तो हमारी जो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है और वोल्टेज बढ़ जाती है रेजिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है पैरेलल के अंदर, पैरेलल की अवस्था में जब हम उसको रखते हैं रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से और वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अब हम रेजिस्टेंस को शोल्डिंग कर लिया हमने। तो दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस शोल्ड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितने हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हम वोल्टेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो है इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज जो है कितनी आ रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद में यहाँ पर 15 जो है वोल्टेज आपको दिखा रहा है, 16 वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर जो है शो कर रहा है ये 15.9, तो यानी 16 वोल्टेज जो है हमारी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है पहले जो है 13 वोल्टेज आ रही थी, तो यहाँ से हमारे 3 वोल्टेज जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि हमने जो है रेजिस्टेंस जो है कम कर दी है। तो दोस्तों 5.1 के रेजिस्टेंस लगी हुई थी यहाँ पर, और हमारे हमने जो है
टू के की जो है सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस लगाई हैं क्वार्टर वाट की, तो उसके वजह से जो है हमारा यहाँ पर 15 वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो है हम किस तरीके से जो है वोल्टेज जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी सप्लाई के अंदर दोस्तों। और आगे मैं जो है आपको इसी तरीके से बता दूंगा कि जो वोल्टेज है किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और भी आसान तरीके हैं दोस्तों। आगे जो है हमारी आपको वीडियो जो है मिलेगी पावर सप्लाई के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ऐसे, और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप जो है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी साथ में दोस्तों दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आगे मिले।